full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. So finally aaj hai Sunday ka day and bachcha party and hum log ja rahe hain park. It's not a normal park. It's like an maybe first time jaa rahi hu, mera first experience hai, so I do not have any single idea about that. So hopefully bahut amazing rahega. Garmi bahut zyada ho rahi hai, jaise ki aap sweating dekh sakte hain, halki halki sweating to chal hi rahi hai. To almost 12 baj chuke hain, hamara timing tha 11 baje nikalne ka, but as usual hum log late ho jate hain hamesha ki tarah, to aaj bhi late hai, which is absolutely fine. Bachcha party abhi aa rahi hai, jaise hi aati hai hum log nikalte hain and pahunchte hain and dekhte hain. बेसिकली इट्स अ वाटर स्पोर्ट पार्क, नॉट वाटर स्पॉट, मतलब वहाँ पे नेचुरल, जैसे देहरादून इज फेमस फॉर नेचुरल थिंग्स, तो वहाँ पे नेचुरल पानी रहता है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं पर. तो हम लोग ऑलमोस्ट एक फाटक पड़ता है, लच्छी वाला पहुँच चुके हैं. यहाँ से कितना दूर है? 5 मिनट और. सो यहाँ से 5 मिनट का और रास्ता है एंड अभी फाटक लगा हुआ है, फाटक खुल जाएगा, खुल ही जाएगा. अब मैं निकलती हूँ आगे, गाड़ी स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहुंच चुके हैं लच्छी वाला और आफ्टर 2.5 घंटे की मशक्कत ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक एंड उसके बाद संडे को कभी मत आना, नेवर एवर कम ऑन संडे. बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है. खैर हमारे पास वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम इंजॉय कर सकते हैं. तो चलिए मैं एक आपको व्यू दिखाती हूँ पीछे. बहुत अच्छी जगह है इन्जॉय करने के लिए, बट वीक डे पे आना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ वीकेंड पे. इंजॉय इंजॉय कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अगेन मैं वर्ड यूज़ करूँगी, ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है. आप जैसे जैसे आगे की क्लिप्स में देखेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. यहाँ पे एक फ़ोटोशूट करने के लिए भी अम्यूज़मेंट पार्क बना रखा है, बहुत ब्यूटीफुली. आपने स्टार्टिंग में उसके क्लिप्स देखे होंगे, तो जब आप आएंगे तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे. मैं यही सजेस्ट करूंगी, डू विजिट दिस प्लेस विद योर फैमिली. फुल डे का बफर लेकर आइए, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है इंजॉय करने के लिए. और खूब इंजॉय करिए एंड रिलैक्स होके घर जाइए. गर्मियों के लिए परफेक्ट स्पॉट फॉर पिकनिक. यहाँ पे अभी फाउंटेन शो, बोट राइडिंग, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी, बट हमने नहीं की थी बिकॉज वी हम लोगों के पास टाइम नहीं था. तो ऐसे रास्ता जाता है एंड साइड में आपका नदी है where people are enjoying
आगे तक है काफी, मैं गई नहीं हूँ. एंड देन हियर इज अ चेंजिंग रूम. सो ये है चेंजिंग रूम. चेंजिंग रूम के एग्जैक्टली साथ में ही फूड कोर्ट है. दिस इज काफल रेस्टोरेंट प्योर वेज, जो कि अंदर जाकर ही है. और यहाँ से अंदर अगर आप देखेंगे तो एम्यूजमेंट पार्क भी है. वेरी ब्यूटिफुल प्लेस अगेन. देहरादून तो वैसे भी खूबसूरत जगहों से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगहों से, ब्यूटिफुल नेचर के पास. पूरा आसपास सारा जंगल है और जंगल के अंदर ऐसे रिवर जा रही है. एंड दिस इज़ द स्पॉट लच्छी वाला. ये है क्या लच्छी वाला? एक्चुअली मैं सर्च करूँगी पूरा प्रॉपरली, तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट ब्यूटिफुल प्लेस. अब ये है कि गर्मियों के टाइम पर ही आया जा सकता है. बस इतना याद रखिएगा कि संडे को मत आना, बहुत रश होता है, हद रश होता है. एंड बेस्ट पार्ट इज़ बहता पानी है, रुकता हुआ पानी नहीं है. रुका हुआ पानी गंदा होता है, ये बहता पानी है. सो फ्लोटिंग वाटर तो अच्छा ही होता है. और देखते हैं आगे और क्या क्या है. तो अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं घर की तरफ. खाना मैं बना के लेके आई थी, खाना क्या मैक्रोनी बना के लेके आई थी. तो मैक्रोनी खाते हैं और निकलते हैं. पिकनिक स्पॉट है तो सोचा घर से ही बना के जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और मुझे एंजू के लिए थोड़ा घर से ही प्रेफर करती हूँ. दलिया तो बना नहीं सकती थी क्योंकि वो थोड़ा कॉमन सा हो जाता रोज़ रोज़ का उसका. तो भाई खाने का नतीजा ह्यूज एंड लॉन्ग ट्रैफिक. संडे को आने का नतीजा रेस्ट. अभी मैं आई नहीं हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं तो आपको बता रही हूँ जैसा जैसा मेरे साथ होता है मैं वैसे वैसे एग्जैक्टली बता देती हूँ. अभी बच्चों से भी पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहा के तो वैसे ही मज़ा आ जाता है तुम लोगों को. ऑफकोर्स ऑफकोर्स. और तेरे को मज़ा आया? बहुत. एंजल का ये मैट हम बहुत यूटिलाइज करते हैं बहुत चीज़ों के लिए. तो आज हम इसको अपने पिकनिक स्पॉट पे भी लेके आए हैं एंजॉय करने के लिए. पढ़ने के साथ साथ ये हमारे और भी बहुत सारे काम करता है, योगा करना, एक्सरसाइज करना. एंड ऑफ कोर्स करता चाटा खोल के गर्मी ही लग रही था. इंजू मैको खा ले बेटा. चलो आज तन्ना सर्व करे, तन्ना लेट सर्व. ये मैं सर्विंग स्पून तो लाई नहीं यार, मैं सर्विंग स्पून नहीं लाई. आराम से बड़ा वाला निकाल ले पहले. आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने कब पिकनिक करी थी, पर मुझे सच में बहुत अच्छा सा लग रहा है. मुझे अच्छी अच्छी बचपन वाली थोड़ी सी फीलिंग याद आ रही है मेरे को, क्योंकि मम्मी ऐसे लेके जाया करती थी. दिल्ली में ना चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में हम लोग जाया करते थे. तुम लोग गए हो? हमने कभी मम्मी लेके गई है? मतलब हमें तो लेके गई है. तो बस वही टाइम, उसके बाद से मतलब चौथी पाँचवीं क्लास का मुझे याद है. उसके बाद से फोर्थ फिफ्थ के बाद आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कब पिकनिक करी है. स्कूल की तरफ से जाते थे बट फैमिली के साथ तो वेरी रेयर. मम्मी कम घूमती है, मम्मी सिर्फ गुरुद्वारों में घुमाया मम्मी ने हमें, और कहीं नहीं घुमाया है ना. हमारी मम्मी ने भी ऐसा ही किया, वो गुरुद्वारों में घूमती है बस, है ना. कॉलेज जाने के बाद से घुमा अपन. Garden, and it shows if I'm honest.
Inju, are you like it? Are you like it? Hi me, hi me, hi me. Yummy, 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 yummy. Inju, how do you like it? बाबू मजा आया. नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे. ओके हम चलिए. शैल वी गो? ओए बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत गर्मी दिन आ रहा है पर गर्मी नहीं लग रही. बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे स्पॉट्स इन्होंने बना रखे हैं वेर यू कैन हैव क्लिक्स पिक्चर्स. बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा. अभी मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा क्लिक्स नहीं कर पा रही हूँ. हाँ मेरे कज़न्स ने क्लिक्स करे हैं, वो मैं ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर स्टोरीज. एंड एक दो मैं दिखा देती हूँ आपको. बहुत 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 ब्यूटीफुली मेंटेन किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ज़्यादा. एंड चार्जेस आर सो रीज़नेबल. इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल. इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो टू वाटर, कम हेयर सिट हेयर एंड हैव पिक्चर्स. अमेजिंग बना रखे हैं, नॉट स्पॉट्स बना रखे हैं वेर यू कैन हैव पिक्चर्स फोटोग्राफी. एंड आई थिंक यहाँ पे वेडिंग शूट भी होता है अभी मैंने सुना कहीं से. मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है. सी दिस, मैं कैमरा घुमा के दिखा. सो बाय बाय फॉर द डे. फिर आएंगे फॉर श्योर. बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. थोड़ा ठंडा मौसम होगा ना तो जस्ट पार्क में बैठने के लिए, पिकनिक करने के लिए ही है ना भाई. तो अभी के लिए बाय बाय. मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में विद न्यू प्लेस या समथिंग न्यू. चलिए चलते हैं. रुक. नाउ से सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर. थैंक यू. चलिए बाय बाय.